नमस्ते, उपस्थित हो एक नया वीडियो लेकर। देखिए, आपके जनधन अकाउंट में आप अपने मोबाइल नंबर को कितने तरीके से बदल सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। देखिए, बदलना और ऐड करना में अंतर है। बदलना का मतलब है कि आपके अकाउंट में पहले से मोबाइल नंबर ऐड है और आप उसको चाहते हैं कि मैं अपने इच्छा अनुसार बदलूं, लेकिन ऐड करने का मतलब हुआ कि पहली बार, जैसे कि अभी आपने कभी अकाउंट खुलवाया और आपने अकाउंट नंबर अपने मोबाइल नंबर उस टाइम ऐड नहीं किया, तो अब अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए, तो ऐड करने का मतलब ये होता है। तो ऐड करना सिर्फ आप दो ही तरीके से ऐड करवा सकते हैं। आपको इसके लिए बैंक में सौसरी उपस्थित होना पड़ेगा, चाहे तो आप CSP से भी ऐड करवा सकते हैं, उसमें भी आपको ही जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर आधार ऑथेंटिकेशन यानी कि आपका जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के थ्रू आपका ऐड होगा मोबाइल नंबर। और आपको बैंक में अगर आप चाहते हैं जाकर के, तो आपको इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फॉर्म के तहत आप ऐड करवा सकते हैं। लेकिन चेंज करने की बात आएगी तो चेंज करने के लिए आप 3-4 तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो चेंज करने का है कि वही आप CSP जाइए, CSP में आप डायरेक्टली आप चेंज करवा सकते हैं, या तो आप बैंक जाइए, वहां पर आप एक फॉर्म फिल कीजिए, वहां से आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं। तीसरा तरीका हुआ कि आप SMS के माध्यम से भी अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं आप। और चौथा तरीका हुआ कि आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर ऐड करने की बात हुआ, ऐड करने का मतलब अगर पहली बार आप अपने अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर जुड़वाना चाह रहे हैं, तो आपको बैंक जाना ही पड़ेगा। आप इसके अलावा कोई भी दूसरा माध्यम नहीं है बैंक अकाउंट में घर बैठे मोबाइल नंबर जुड़वाने का। आपको बैंक जाना पड़ेगा और CSP या तो बैंक, दोनों में से किसी एक को चूज करके आप अपने मोबाइल नंबर आप अपने बैंक अकाउंट में ऐड करवा सकते हैं। तो यही था कुछ जानकारी बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर पहली बार ऐड करवाने का और चेंज करवाने के बारे में। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।